वहीं फेडरेशन के आह्वान पर दुर्ग नगर निगम के समस्त कर्मचारी और अधिकारियों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर किया प्रदर्शन। अपनी जायज मांगों को लेकर रैली निकाल अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ का किया समर्थन। नगरपालिक निगम दुर्ग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी बुधवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र शासन के समान महंगाई भत्ता को लेकर कलमबंद कामबंद हड़ताल कर अपना आक्रोश जताया। साथ ही निगम परिसर में रैली निकालकर सड़क पर नारेबाजी करते अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मंच पर पहुंचकर उन्होंने केंद्र शासन के समान महंगाई भत्ते की मांग का समर्थन किया। गौरतलब है कि नगर पालिक निगम दुर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों को 22% महंगाई भत्ता दी जा रही है, जबकि केंद्र शासन के द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता प्रदान किया जाता है। शासन के द्वारा 2 माह पूर्व 5% महंगाई भत्ता प्रदान किया गया है, परंतु बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन की घोषणा और निर्देश को जायज मानते हुए राज्य शासन को राज्य के समस्त कर्मचारी अधिकारियों को 34% महंगाई भत्ता देना चाहिए। इसी कड़ी में फेडरेशन के आह्वान पर नगरपालिक निगम दुर्ग के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, नगरपालिक निगम दुर्ग के अध्यक्ष शिव शर्मा, महामंत्री अनिल सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन ठाकुर एवं दुर्गेश गुप्ता के नेतृत्व में दुर्ग निगम परिसर में रैली के रूप में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के मंच तक पहुंची। इस संबंध में न्यूज टीम को स्वास्थ्य कर्मचारी संघ नगर पालिक निगम दुर्ग के अध्यक्ष शिव शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। महंगाई भत्ता हमारे यहाँ अभी 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र शासन के द्वारा 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। उसी के विरोध में अधिकारी छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ नगर पालिका निगम दुर्ग उन्हें पूरा समर्थन तो जब जब ऐसे हमको करेंगे हम उनके आंदोलन में शामिल रहेंगे। अभी ये उनका तृतीय चरण है, तृतीय चरण में जो भी उनके द्वारा आदेश किया जाएगा वो हमारे द्वारा पालन किया जाएगा। फिलहाल अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांग शासन तक पहुंचा दी है। देखना होगा कि शासन इनकी मांगों पर कब तक अपना रुख साफ करती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।